अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वैकेंसी की अपडेट्स हैं वो रेस्क्यू 1122 के मुतल्लिक हैं। 1122 में असामियों का ऐलान कर दिया गया है। बीपीएस 5 से लेकर बीपीएस 18 तक की असामियों का ऐलान कर दिया गया है। ये बेसिकली हेड ऑफिस लाहौर में इनको चाहिए असामियाँ। और जो जो दोस्त 1122 में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें हम आपके साथ तमाम डिटेल शेयर करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी असामियाँ हैं और किस पे आपने अप्लाई करना है, जिस तरह से आपकी क्वालिफिकेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा, उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप अप्लाई कर सकेंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्क्यू 1122 में बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र होती हैं और ये डिपार्टमेंट भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की जानिब। सबसे पहली जो पोस्ट है वो डिप्टी डायरेक्टर की है। प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन, इसका बीपीएस 18 है। मास्टर डिग्री चाहिए इसके पोस्ट के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और एज जो है वो 30 से 40 ईयर होनी चाहिए। और सेकेंड नंबर पर है डिप्टी डायरेक्टर मोनिटरिंग, इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मास्टर लेवल पे होनी चाहिए। आपने बीएससी सिविल इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल किया है, रीजनल प्लानिंग में किया है या किसी भी इंजीनियरिंग काउंसिल में आपकी डिग्री रजिस्टर्ड है और आपकी एज जो है 35 से 40 ईयर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये 17 बीपीएस है इसका। 9 असामियाँ इसके लिए चाहिए। LLB सेकेंड डिवीजन होना चाहिए रिकनाइज यूनिवर्सिटी से और एज जो है वो 24 से 40 ईयर होनी चाहिए। जी, और नंबर 4 पे है एमरजेंसी ऑफिसर फायर सेफ्टी, इसके लिए बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, सिविल इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन या सिटी या रीजनल प्लानिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो और इंजीनियरिंग काउंसिल से भी आप रजिस्टर्ड हो और एज जो है वो आपकी 24 से 32 ईयर होनी चाहिए और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है, फिर ही आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आगे जो है नंबर 5 पे कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वेब PHP वेब .NET एंड्रॉयड iOS, इनके लिए एक एक असामी है। टोटल 4 असामी है। BPS 17 है इसका। MSc होनी चाहिए, MS IT और BCS 4 ईयर या आपके पास BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीजन में और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसके लिए रिक्वायर्ड है और एज की रिक्वायरमेंट 24 से 32 ईयर है। नंबर 6 पे आते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, 17 ग्रेड की जॉब है। इसमें MBA होना चाहिए, 10 ईयर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए, 30 से 45 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनर, इसके लिए MSc MS IT BCS 4 ईयर मिनिमम सेकंड डिवीजन में भी आपके पास हो और इतना यूनिवर्सिटी से डिग्री आपकी होनी चाहिए। 3 ईयर जो है एक्सपीरियंस वो भी आपके एग्जामिनेशन ब्रांच में होना चाहिए। तो 8 नंबर पर सुपरिटेंडिंग एग्जामिनेशन, इसके लिए MBA मास्टर लेवल मिनिमम सेकेंड डिवीजन चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस भी इसका चाहिए। 24 से 32 ईयर ए रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके बाद नंबर 9 नंबर पे है फोटोग्राफर कैमरामैन, ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन, 20 से 30 ईयर एज चाहिए और 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए फोटोग्राफी में, फिर ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और नंबर 10 पे है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी BPS 12 है। 3 पोस्टें इसके लिए, इंटरमीडिएट आपके पास प्लस MS ऑफिस या ICS सेकंड डिवीजन में होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी RDO होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर का टेस्ट होगा इसका और ए 20 से 30 ईयर है। और लास्ट पे है 11 नंबर पे रेस्क्यू ड्राइवर LTV लाइसेंस होना चाहिए और मैट्रिक जो है वो आपकी सेकंड डिवीजन से कम ना हो, फिर ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं और एज क्राइटेरिया 20 से 30 ईयर है। तो दोस्तों, इसमें जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो एज की लिमिट है वो 20 से 30 ईयर है। इसके बाद आप हाउ टू अप्लाई में ये एडवर्टाइजमेंट आप रीड आउट कर लें, इसमें सारी डिटेल आपको मेंशन है। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई क्वेरीज हो, कुछ समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो CTS की जानिब से एलिजिबल हो रही है। CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस है, इनका हेड ऑफिस लाहौर में है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट इसकी जो है वो 24 है, 24/6/2024।
और जिन दोस्तों का CTS में अप्लाई करना हो, वो कमेंट बॉक्स में अपनी इन्फॉर्मेशन दे के एप्लीकेशन भी करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।